हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ आप लोग मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और नहीं हैं तो प्लीज़ मेरा वीडियो 2 मिनट तो देखिए। और ये देखिए, यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं दुल्हन को, तो हमने मेहंदी दिन में ही लगवा दी थी क्योंकि सर्दी का टाइम है, तो वैसे भी सर्दी बहुत ज़्यादा थी इस टाइम पर, इसलिए दिन में ही इनको मेहंदी लगवा दी थी कि धूप में जल्दी से सूख जाए। लेकिन इसके बाद भी शाम तक ये मेहंदी सूखी नहीं थी, बहुत मुश्किल हो गया था मतलब सूखना मेहंदी को। तो बस ये छत पर बैठकर इसको मेहंदी लगवा दी थी कि मतलब धूप हो और सर्दी भी ना लगे उसको। तो हल्दी के बाद, और वैसे भी हम लोगों ने कम ही हल्दी लगाई थी उसको क्योंकि हल्दी से भी सर्दी बैठती है, तो बस उपटन वगैरह ही किया था। तो हल्दी के बाद इसको मेहंदी लगवा दी थी। और यहाँ पर देखिए मेहंदी लगवा रही है ये। हम इसमें डाल दिया मम्मी इसके मुंह नहीं हमारे से। इनकी तो इतनी जल्दी दुल्हन सब बाग दुल्हन बहुत बेचारी, 2 दिन बाद डाल दिए हैं, विदाई विदाई हो जाती है जब जी लाइव वो दे रहा है लाइव नोटिफिकेशन। तो चली जाएगी या फिर इसमें लगा दो पीछे पीछे रह जाएंगे, वो तो लगेगी ना, उसी में लगेगी। तो मेहंदी लगवाने में शाम हो गई थी क्योंकि मेहंदी में आपको पता है कि टाइम तो लगता ही है, तो 7:30 बज गए थे। और फिर उसने सुबह से खाना भी नहीं खाया था, तो मैंने रिया रिचा से बोला कि पहले उसको खाना खिला देते हैं, इसके बाद जो भी प्रोग्राम होंगे बाद में करेंगे। तो इसके बाद ही हम लोगों ने संगीत शुरू किया था। तो यहाँ पर रिया रिचा उसको खाना खिला रही है, खाना भी खाना खा रही है। कल नहीं गाने जब भी बोले जनता मुंह ला लेंदी फ्रेंड्स, ये दुल्हन की बहन। फ्रेंड्स, ये दूसरे दिन का वीडियो है। तो यहाँ पर हो रही है फलदान की रस्म। हम लोग पहुँच गए थे गार्डन, तो बस गार्डन में ही हम लोगों ने फलदान की रस्म की। और मैं पूरा गार्डन का भी वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम लोग जाकर ही डायरेक्ट मतलब रस्म में लग गए थे, तो कुछ इतना भी याद नहीं रहता है कि ये पूरा वीडियो बनाना। और ये थोड़ा सा ही वीडियो मैंने डियर एचा से बोल दिया था, तो उन्होंने ही बनाया है। और बस यहाँ पर सिद्धांत मतलब जो दुल्हन का भाई, आप लोग भी देख लीजिए, हमारे यहाँ पर ऐसी होती है फलदान की रस्म।